किसी छल बल और दयनीय राजनीति के तहत हमारे बाबूजी को, हमारे परिवार को दरकिनार कर दिया गया। ये दोनों लोग बीजेपी और वीआईपी आपस में फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। ये हमारी मांग है कि माननीय मुकेश सहनी जी से कि राजद परिवार में हमें सपोर्ट करें, हम उनके साथ पूर्व में भी रहे हैं, लेकिन उनसे निवेदन है कि अपने सभी समर्थकों के साथ हमारे साथ आइए और हमारे हाथ को, माननीय लालू जी के हाथ को, तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने का काम करें। आपके साथ जो छल कपट इन्होंने किया है, उस छल कपट का बदला हम दोनों भाई मिल के लेना चाहें। हमारे साथ मौजूद हैं अमर पासवान, जो कि दिवंगत मुसाफिर पासवान के बेटे हैं और राजद की तरफ से उपचुनाव में उम्मीदवार भी हैं। अमर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, राजद की तरफ से आपको टिकट दिया गया है। सबसे पहला सवाल है कि आप इससे पहले आप वीआईपी में थे, अचानक राजद में आने का फैसला आपने क्यों किया? कहीं ना कहीं मेरे साथ धोखा हो रहा था और मैंने अपने ईमानदार छवि के साथ वहाँ पे पूर्ण रूप से, वहाँ बाबूजी के निधन के बाद भी वहाँ टिकट था और सब लोग को पता है और वीआईपी के ये सीट थी, लेकिन किसी छल बल और दयनीय राजनीति के तहत हमारे बाबूजी को, हमारे परिवार को दरकिनार कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस छल को हम लोगों ने देखा और समझा और हमारे जो राजद परिवार, जो पुराने परिवार हैं, उन लोगों ने हमारे परिवार को, इस क्षेत्र की जनता को मान सम्मान देने का काम किया और मुझे टिकट प्रदान करने का काम किया। क्या इसका अभ्यास आपको पूरा पहले ही हो गया था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव में दमखम के साथ लड़ रहे, कहीं ऐसा लग रहा था कि बेबी रानी को टिकट मिलेगा, आपको टिकट नहीं दिया जाएगा एनडीए की तरफ से? देखिए, अब ये बात कहना न कहना वो अलग बात है, हम लोग चुनाव पे फोकस करें, क्योंकि ये दोनों लोग बीजेपी और वीआईपी आपस में फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, तो फ्रेंडली मैच नहीं तो जनता का वोट का अधिकार आप फ्रेंडली मैच में नहीं इस्तेमाल कीजिए, आप उनके आवाज को, अधिकार को सदन तक पहुंचाने का काम कीजिए। तो ये हमारी मांग है कि माननीय मुकेश सहनी जी से कि राजद परिवार में हमें सपोर्ट करें, हम उनके साथ पूर्व में भी रहे हैं और पूरी गरिमा के साथ रहे हैं, हमारे बाबूजी के जाने के बाद भी रहे हैं, लेकिन उनसे निवेदन है कि अपने सभी समर्थकों के साथ हमारे साथ आइए और हमारे हाथ को, माननीय लालू जी के हाथ को, तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने का काम करें और आप हमारे बड़े भाई हैं, बड़े गार्जियन हैं, आपके साथ जो छल कपट इन्होंने किया है, उस छल कपट का बदला हम दोनों भाई मिल के लेना चाहेंगे। इतना भरोसा है दिवंगत मुसाफिर पासवान के निधन के बाद, वो चाह की जनता आपको आशीर्वाद देगी? ये पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि जनता की आवाज़ से ही मुझे ये टिकट मिला है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं, आप राजद की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा बात है सहानुभूति वोट, और कहीं ना कहीं बेबी रानी भी कहीं ना कहीं इसमें शिकस्त खाती नजर आ रही। क्या लगता है कि दोनों और जो वोट बैंक है और ख़ास करके सबसे ज़्यादा जो मल्ला समाज के, यहाँ पर जो सहनी समाज के 50% वोटर हैं, क्या कुछ होगा इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा? जी कुछ नहीं, मैं पूर्व से पहले से भी दौरा कर रहा हूँ और मल्ला समाज के लोग भी हमारे साथ हैं और कहीं ना कहीं हमारे बाबूजी की जो छवि है, ईमानदार छवि थी और नेक छवि थी, लोगों को समझाने के, लोग सामाजिक लोग थे और लोगों को समझाने के बीच में, जब वह मृत्यु से पहले मेरे से बात कर रहे थे या फिर मैं उनके साथ अपना समय व्यतीत करता था, तो सिर्फ और सिर्फ वो समाज की बातें करते थे। आज भी उनके द्वारा बहुत सारे समाजों में अपने दम पर उन्हें नौकरियां दिलाने का काम किया है, आज भी वो खुशहाल परिवार है, खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर विश्वास है मुझे कि वह हमारे साथ हैं और क्षेत्र की जनता तो हमारे साथ ही है ही है। जनता कहना है कि 9 बार से विधायक रहे हैं रमई राम जी, विकास क्षेत्र का नहीं हुआ है, ऐसे में आप किन किन मुद्दों को लेकर के सदन में जाइएगा, क्या क्या मुद्दे हैं आपके जो सदन में उठाए, अगर जनता आपको प्यार देती है यहाँ से जिताती है तो? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक, ये हमारे 3 मुद्दे हैं और जैसे ही हम जीत के आएंगे वो आपको ब्लॉक लेवल पे काम करने को देखने को मिलेगा। आखिरी सवाल है टक्कर किसे मिल रही है आपको? आखिरी सवाल है, टक्कर किसे मिल रही है? किसी से नहीं मिल रही है, टक्कर वाले लोग आपस ही में यहाँ पे और सारे लोगों को, दूसरी दूसरी जगह के लोगों को यहाँ पे बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता चालाक है, समझदार है और हमारे गोचा विधान सम्मानित जनता को मैं अपील करूंगा कि उनके झांसों में ना आए और अपने कार्यकाल यहीं के लोगों को जितवाएं, क्योंकि एक मैं ही यहाँ का प्रत्याशी हूँ जो मैं खुद को अपना वोट दे सकता हूँ, बाकी जो प्रत्याशी है, बेबी कुमारी है, क्या वो खुद को अपना वोट दे सकती है? नहीं दे सकती है, इसीलिए मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि वो हमें वोट दें। मैं आपके शेखपुर पंचायत के ग्राम नाजीरपुर का निवासी हूँ और ये सब लोग जो बाहरी लोग हैं, रमई राम जी टाउन के लोग आते हैं, बेबी कुमारी लोग टाउन के लोग आते हैं, आप वो अपना वोट भी खुद नहीं डाल सकते,
तो आपके माध्यम से मैं ये अपील करूंगा कि जनता इस चीज़ों को देखे और समझे। देखिए तमाम जो तस्वीरें हैं बोचहा से निकल कर के सामने, अमर पासवान राजद की तरफ से प्रत्याशी हैं, दिवंगत मुसाफिर पासवान के बेटे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं राजद को के तरफ से। और देखिए आने वाले दिनों में देखना होगा कि बोचहा विधानसभा की जो जनता है किसको प्यार देती है। हालांकि टक्कर तो देखिए लगातार कहा जा रहा है कि बेबी रानी जो बेबी कुमारी जो कि बीजेपी की है और साथ ही साथ अमर पासवान जो कि राजद के हैं, दोनों में टक्कर देखने को मिल रहा है जनता जो साफ तौर पर कहना है। लेकिन अब देखना होगा कौन जीतता है कौन हारता है, बोचहा की जनता किसको आशीर्वाद देती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।